मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मरवाही विधानसभा में जीत का दावा किया है। सीएम ने स्वराज एक्सप्रेस के साथ की खास बातचीत में कहा कि मरवाही कांग्रेस का गढ़ है, मरवाही में कांग्रेस ही जीत होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मरवाही से लौटा है, हम उनसे बातचीत करते हैं। आज आपने जीत का दावा किया है, क्या उम्मीद है आपको? आज मरवाही खुद गए, आपने नामांकन दाखिल करवाया। देखिए, ये जो 1.5-2 साल के जो सरकार के जो काम है उससे लोगों का विश्वास बढ़ा ही सरकार के प्रति, और दूसरी बात यह है कि मरवाही में लगातार जिले की मांग होती रही, लेकिन पिछले 18-19 साल में लोग नहीं कर पाए। हम लोग शासन में आते ही इस काम को किया, और जो लोगों की मांग थी मरवाही के मामले में, वहाँ विकास होना चाहिए, वहाँ जिला बनना चाहिए, वहाँ तहसील और SDM कार्यालय खोलना, वो सारी जो उनके डिमांड थे हमने पूरे किए हैं, तो इसलिए हमको विश्वास है कि हम भारी बहुमत से जीतेंगे। जोगी परिवार लंबे समय से वहाँ जीतता रहा है, कांग्रेस जीतती रही है। अब कांग्रेस ठीक है, मत अभी तक कि जितने चुनाव उसमें 2 या 3 की बार के छोड़ दो, मतलब तो कांग्रेस जीतती रही है। अच्छा, इसके अलावा आज आपकी मुलाकात हुई नामांकन के वक्त, तो जो जिस तरीके से अभिवादन हुआ उसको लेकर के भी काफी चर्चा है। देखिए, रेणु जोगी जी हमारे वरिष्ठ विधायक हैं, सदन में भी जोगी कांग्रेस के उपनेता भी हैं, और उनसे हमेशा जब भी मुलाकात होती है अभिवादन तो होता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनका साफ तौर से ये कहना था कि जो जीत है मरवाही में वो कांग्रेस की होगी, और जो घोषणाएं उन्होंने की है, जो वादे पूरे किए, लंबे समय से जो मांग की, उस मांग को जो पूरा किया है उससे ये जीत मुमकिन होगी। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता, मरवाही।